बुधवार को उत्तर अंडमान के सीतानगर पंचायत की ग्राम सभा की बैठक हुई। पंचायत भवन के सभागार में सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के अलावा पंचायत वार्डों के सदस्य, प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और गांव के लोग मौजूद थे। बैठक में सबसे पहले पंचायत सचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायत गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता और सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को लेकर काफी संजीदा है और इस दिशा में काफी कामयाबी हासिल हुई है। बैठक में ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान सत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, अगले सत्र में प्रस्तावों की चर्चा की। पंचायत प्रधान विपल्लव मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत में लोगों के कल्याण से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सफलता पाई है और सबके प्रयास से निर्धारित सभी लक्ष्य हासिल होंगे। उन्होंने सत्र 2023-2024 के दौरान योजना में रखे गए कार्यों का ब्यौरा दिया और उपस्थित ग्रामीणों से अपनी जरूरतों के बारे में पूछा, जिससे कि उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सके। विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने अपनी जरूरतों के बारे में बताया, जिनका जनप्रतिनिधियों ने समाधान करते हुए उन्हें भी योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि प्रधान विपल्लव मंडल ने सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि सबके सहयोग से पंचायत जन आकांक्षाओं को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी और विकास की राह पर पंचायत की रफ्तार और तेज होगी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।